श्रीगंगानगर के घड़साना में लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिला। सुबह दुकानें लोगों को राहत देने के लिए खोलने के प्रशासन के आदेश हैं, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा लाभ लेकर केवल भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई इस बीमारी से पीड़ित होता है तो वह अन्य लोगों में भी फैल सकती है। वहीं आज सुबह से ही भारी संख्या में लोग सड़कों और दुकानों पर दिखाई दिए। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में जो दुकानें नहीं है वो भी खुली हुई पाई गई। थाना में लॉकडाउन का जो है व्यापक असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो कि तमाम जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की तरह लगातार घुमाई कर रही हैं और पुलिस प्रशासन इनको रोकने का प्रयास अवश्य कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन का जो व्यापक असर है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ एक ओर लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं तमाम दुकानदार जो अपना सामान विक्रय कर रही हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंस पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक बड़ी घटना का कारण भी बन सकता है। तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बार बार बड़े बड़े अपील भी की जाती है कि सोशल डिस्टेंस को अपनाएं और लॉकडाउन की ज़्यादा से ज़्यादा पालना करें, लेकिन गढ़साना में ये बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि लोग रोज़मर्रा की तरह हमेशा की तरह घूम रहे हैं और पुलिस जो है वो इन्हें रोकने का अवश्य प्रयास कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो बिल्कुल भी मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है और जो लॉकडाउन है उसका व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पुलिसकर्मी जो है वो चौक चौराहों पर तैनात अवश्य हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से इस चीज़ की पालना करने में भी सख्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कैमरामैन चिन्नू स्वामी के साथ विकास पारिक, A1 TV, गढ़साना। खबर जोधपुर से है जहां कोरोना